दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। गुरुधामों के प्रशासनिक कार्यों में अपना अहम रोल अदा करने वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अब धर्म के प्रसार के साथ साथ शिक्षा के प्रसार के लिए भी आगे आ रही है। इसके चलते शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सभी सिख विद्यक संस्थानों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए वे जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगी। इस संबंधी जानकारी देते हुए कमेटी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने अमृतसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि सिखों को शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के निपटारे के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। जितने भी सिख शिक्षक संस्थान हैं, कमेटी उन सबको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि सभी संस्थान एकजुट होकर पंथ की सेवा कर सकें। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मन की भी इच्छा यह है कि असी एक प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान के सारे स्कूलों कॉलेजों सिख स्कूलों कॉलेजों एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करके असी उन्हें किसी चंगे म्यार से लिजा सकी है और नाल ही नाल सिखी के प्रचार से प्रसार लई जो सिख विद्यक अदारे काम कर सकते ने असी जरा वो इकट्ठे हो के मिल के सारे जड़े है वो प्रोग्राम उलीक सकी ताकि कलैक्टिवली असी जिनी पंथ की सेवा कर सकते हैं सिखी की सेवा कर सकते हैं वो शायद वक्रे वक्रे तौर पर हालातों मद्देनजर रखते हुए ना कर सकते हुई है। लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी है वो अगली एग्जैक्टिव कमेटी की मीटिंग जी समुचे हिंदुस्तान के विद्यक अदारे इकट्ठे करने करके अपनी सारे की राय रामा बना के एक विद्यक सोच के नाल नाल अपने मिशन की सोच वास्ते जरा उद्यम कदम चुकेगी। एग्जैक्टिव कमेटी की मीटिंग असी सब कमेटी एजुकेशनिस्ट की वे वे जो एजुकेशनिस्ट ने सिख स्कॉलर ने उन्होंने एक कमेटी बनावे और वह कमेटी फैसला करेगी यदि रूपरेखा की होएगी यदा काम की होएगा तो सारी रिपोर्ट जी एग्जैक्टिव दोबारा आएगी वो अकॉर्डिंगली असी जरा अपनी कार्रवाई जी अगली शुरू कर सकेंगे।